हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार सा एक घोड़ा बना के दिखाऊंगा। तो गाइस, इससे पहले भी मैंने एक घोड़ा बना के दिखाया था, लेकिन वो था रियलिस्टिक घोड़ा, ठीक है। लेकिन आज जो घोड़ा मैं आपको बना के दिखाऊंगा, वो एक रियलिस्टिक नहीं बल्कि एक खिलौना का घोड़ा है। मतलब ये बहुत हद तक मणिपुरी घोड़ा का जैसा है। तो गाइस, ये जो घोड़ा है ये एक अलग ही तरह का घोड़ा है और ये बहुत ही शानदार सा है, क्योंकि इसके पूरे शरीर में मिट्टी का बहुत तरह का डिज़ाइन होता है। तो इसीलिए ये जो घोड़ा है ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। तो गाइस, ये जो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस, फिर भी मैं आपको ये बताऊँ कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया मैंने। सबसे पहले मैंने तो एक लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बना लिया है नीचे, और फिर उसके ऊपर मैं लोहे का जो कील होता है ना, कांटे बड़ा बड़ा, ठीक है, तो ये जो कांटे है लोहे का, इसका साइज करीब 6 इंच है, मतलब 6 इंच का ये जो लोहे का जो कील है, तो इसका जो 4 कील है ये मैंने चारों ओर लगा दिया है। इसके बाद उस कील के साथ मैंने क्या किया, जो घास फूस आते हैं जिसको हम बिचली बोलते हैं, तो वो हमने रस्सियों से थोड़ा सा बांध दिया है, बहुत हद तक घोड़े जैसा, ठीक है। अब फिर उसके ऊपर हम मिट्टी लगा के उसके ऊपर जो घोड़ा हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। मैंने आपको ये बता तो दिया है, लेकिन अगर आपने ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने एक गाय और उसका जो बच्चा है उसको बना के दिखाया है, लेकिन वहाँ पर मैंने जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये कैसे बनाते हैं वहाँ पर मैंने दिखाया है, ठीक है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इस स्ट्रक्चर के ऊपर तो मिट्टी लगाना पड़ेगा, और उसके बाद हमको मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दिया है, अब मैं क्या करूँगा इसको मेजरमेंट, मतलब कहाँ पे मिट्टी ज़्यादा चाहिए, कहाँ पे कम, ठीक है, मतलब कहाँ पे कितना मिट्टी चाहिए, तो ये सब आपको अभी करना होगा। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि जिस चीज़ से मैं मिट्टी को काट रहा हूँ या फिर मिट्टी को साइज कर रहा हूँ, उसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है चियारी, ठीक है। और ये मैं अपने हाथों से बनाया हूँ, तो अगर आपको ये अपने हाथों से नहीं बनाना आता तो आप ये ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ये अभी ऑनलाइन पे मिलता है, तो जो हाथों का चीज़ है उससे अच्छा होता है ऑनलाइन का चीज़, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है क्ले का, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नीचे दे रखा है, आप जाके खरीद सकते हैं। उसमें आपको बहुत ही कम पैसे में बहुत ही ज़्यादा आपका ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वो जाके खरीद सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने मिट्टी लगा रहा है वो इको फ्रेंडली जो मिट्टी है वो सब है, मतलब हमारे नेचर में ही मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अगर मिट्टी नहीं है, आप अगर शहर में रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो गाँव में रहते हैं, तो इसीलिए हमारे गाँव में तो मिट्टी हर जगह मिल जाती है, लेकिन जो लोग शहर में रहती है उनको मिट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए आप मिट्टी भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन जो मिट्टी आती है उसका एक प्लस पॉइंट है कि वो क्रैक नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए ऑनलाइन का जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो जो भी हो, अगर आप ये जो मिट्टी है आप नेचर से कलेक्ट करते हैं तो आपका जो मिट्टी है वो थोड़ा क्रैक हो सकता है, लेकिन मैंने एक तरीका आपको दिखा है इससे पहले, अगर आप उस तरीके से आपका मिट्टी रेडी कर लेते हो
तो आपको जो क्रैक होने का चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, मतलब मैंने एक वीडियो भी बनाया है जहाँ पे मैंने दिखाया कि आप किस तरह से अपना जो मिट्टी है वो रेडी कर लेते हो ताकि आपका जो क्रैक है वो कम हो। क्योंकि क्या होता है, हम जब कोई मॉडल या फिर कोई स्कल्पचर बनाते हैं मिट्टी से, तो हम चाहते तो है कि वो ठीक रहे, लेकिन वो जब सूख जाता है ना, सूखने के बाद वो क्रैक हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, मिट्टी तो आपको सबसे पहले के बाद आपका मिट्टी अच्छी तरह से तैयार करना होगा। अगर आप ऑनलाइन का मिट्टी यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नेचर से मिट्टी कलेक्ट करते हो तो आपको वहाँ पे मिट्टी रेडी कर लेना होगा। तो उसके लिए मिट्टी कैसे रेडी करते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने दिखाया कि मिट्टी कैसे रेडी करते हैं, और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, और ये वीडियो जब ख़त्म होगा तो एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, इस वीडियो जब ख़त्म होगा तब भी आप वो वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया है, ये जो चियारी है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बोला था लकड़ी का, तो उससे मैंने इसका जो मेजरमेंट है वो मैंने कर दिया है कि कहाँ पे मिट्टी ज़्यादा चाहिए और कहाँ पे कम। तो कुछ इस तरीके से हमने जब मेजरमेंट कर लिया है उसके बाद आता है क्लीनिंग। ठीक है, तो देखिए मैं अपने हाथों में पानी लेकर मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को ये पूछते हैं कि आप जो लिक्विड सा दे रहा है इसके ऊपर, ये क्या चीज़ है? तो मैं आप सभी को ये बोलूँ, ये सिर्फ पानी है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ वाटर है। तो मैं इस वाटर की मदद से मैं इसको क्लीनिंग कर रहा हूँ, और क्लीनिंग करने के बाद अभी आती है इसका फिनिशिंग। आप देखिए फिनिशिंग क्या है, फिनिशिंग मतलब देखिए जब मैंने इसको क्लीनिंग कर दिया है, इसके बाद फिनिशिंग जैसे कि देखिए इसके आँखें, ठीक है, इसके नाक, इसके कान, इसके माउथ, ठीक है, तो ये सब जो छोटे छोटे चीज़ है इसको जब करना होता है तो इसको हम फिनिशिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप पहले नहीं कर सकते, जब आप मेजरमेंट करते हो उस टाइम ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जब आप क्लीनिंग करेंगे तब ये बिगड़ जाएगा, तो इसीलिए आप इसको क्लीनिंग करने के बाद ही ये सब जो छोटे छोटे चीज़ है ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम इसकी आँखें अभी हम कर रहे हैं, तो आँखें करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो पूँछ है उस पूँछ को हम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो घोड़ा मैं बना रहा हूँ इसके पूरे शरीर में, ठीक है, मतलब पूरी बॉडी में डिज़ाइन होगा। ठीक है, और जब वो डिज़ाइन होगा ना तब ये दिखने में बहुत ही अच्छी रहेगी। तो इसीलिए देखिए पहले हमको ये क्लीनिंग कर लेना होगा, उसके बाद ही हम डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि जब डिज़ाइन करेंगे इसके पूरे शरीर में तो उसके बाद इसके ऊपर और हम क्लीनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए देखिए पहले हम इसको, इसका जो पूछ है ये सब देते हैं, उसके बाद ही हम ये जो सारे के सारे डिज़ाइन हैं ये हम लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, और जो डिज़ाइन हम लगाएंगे ये हम अपने हाथों से लगाएंगे, मतलब इसका कोई भी मोल्ड या फिर कोई भी छांच नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसका जो डिज़ाइन का कुछ छांच रहते हैं तो आप उससे निकल कर डायरेक्ट इसके ऊपर सिर्फ लगा देते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास भी वो छांच है, मतलब मोल्ड है, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए ये पूरा का पूरा चीज़ मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगा। ओके, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाओ। फिर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कैसे छांच बनाते हैं, कैसे मोल्ड बनाते हैं कोई भी चीज़ का, कोई भी डिज़ाइन का। ठीक है, इसका भी मैंने एक वीडियो बहुत ही जल्द ही बनाऊंगा। तो अभी देखिए जो घोड़े का जो कंधों का जो बाल होता है वो मैंने दे दिया है, और अभी ये जो पूँछ है ये मैं कर दिया हूँ, बाद में इसका पूँछ का भी बाल में करवा दूंगा। ठीक है, वो अब बाद में करूँगा। तो अभी देखिए हमारा ये जो घोड़ा है ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अभी हमको जो मेन जो काम है, मतलब जो डिज़ाइन है वो हम देखिए कर रहे हैं। ठीक है,
तो देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोग इसको समझ सको, ठीक है। तो गाइस आज का ये जो हॉर्स बनाना मतलब जो घोड़ा बनाना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल सा है। तो इसीलिए अगर आप भी क्ले आर्ट सीखना चाहते हैं मतलब मिट्टी से ये सब चीज़ आप बनाना सीखना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ साथ मिट्टी लेके बैठ जाइए और इस घोड़े को आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा, तो आप देखोगे तो सही लेकिन आप भूल जाओगे। तो जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तब तक तो इसका फ़ायदा बहुत ही कम है, क्योंकि आप इसको देखेंगे लेकिन आप बाद में भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको देखने के बाद तुरंत से अगर इसको प्रैक्टिस कर रखा है तो उसके जो भूलने के जो चांसेस है बहुत ही कम है, मतलब आपको वो बहुत दिन तक याद रहेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये सीखना है कि ये इसको कैसे बनाते हैं तो इसको सिर्फ देखना ही नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस भी कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको ये समझ आ जाएगी हाँ ये मैंने कैसे बनाया है तो ठीक है, लेकिन आपको अगर ये समझ नहीं आया है तो मैं बोलूँ कि अगर इसको एक बार देखने के बजाय आप 3-4 बार देखो, मतलब जितनी बार आप चाहे देखो लेकिन आपको ये समझना है, ठीक है, अगर आपको सीखना है तो। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इतना भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाया कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छे बात होगी, ठीक है। तो गाइस अभी देखिए ये जो हम डिज़ाइन जो कर रहे हैं ये हम कर देंगे इसके पूरे शरीर में, तो हमारा ये जो घोड़ा बनाना ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस मैंने आज इतना सिंपल तरीके से इस घोड़े को बनाना दिखाया है, तो मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी को आज का ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिली होगी, ठीक है। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है या फिर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी कुछ सीखने को मिला है तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी ऐसे क्ले वर्क सीखना चाहते हैं उन तक आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। इससे आपका फ्रेंड भी बहुत ही हेल्प होगी, इसीलिए तो गाइस प्लीज़ लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। तो गाइस अभी लीजिए हमारा ये जो घोड़ा बनाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, मतलब जो जिस तरीके से मैंने इसको दिखाया कि कैसे इसको बनाते हैं अभी ये लगभग कंप्लीट हो गया है। इस घोड़े के पीठ के ऊपर मैं एक चादर बनाऊंगा, ठीक है। देखिए चादर भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहा हूँ, मतलब इसमें आज का जो वीडियो है इसमें आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। सिर्फ आज का ही नहीं, मैं अब तक जितना भी क्ले वर्क कर चुका हूँ आप अगर मेरे सारे वीडियोस अगर देख चुके हैं तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप जाके ज़रूर देखना। जितना भी आज तक मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो सब कुछ नॉर्मल तरीके से है और सिंपल तरीके से है। मेरी वीडियो देखकर कोई भी जो बिगिनर्स है या फिर नए हैं सभी लोग मेरी वीडियोज़ देखकर क्ले आर्ट सीख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस जो भी हो आप ये देखिए हमारा ये जो शानदार सा जो घोड़ा है देखिए ये कंप्लीट हो गया है, मैंने सेम डिज़ाइन दोनों तरफ ही बना दिया है। तो गाइस ये रही हमारा आज का ये जो इतना शानदार घोड़ा ये कंप्लीट। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।